आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ सैलॉन, आज है मेरा हेयर वॉश और उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में जो हेयर है वो कैसे लग रहे हैं। तो बस अभी जस्ट निकले हैं, रास्ते में ही हैं और मेरे साथ में जा रहे हैं आज बाबा जी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी उस दिन की, मैम प्लीज़ उस दिन सर को साथ में लेके आना। तो फाइनली आज थोड़ा सा टाइम था इनके पास, तो मैंने बोला चलो आपका सेशन भी कराते हैं सैलून में। क्या क्या करवाओगे आज आप? कुछ नहीं, बाल धुलवाओगे। तो अभी हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो रास्ते में रुके हम खाना खाने के लिए, तो पहले खा लेते हैं खाना और फिर चलते हैं सैलून। क्या खिलाओगे आप आज? मक्की रोटी है और मटर पनीर फुल्का है और कढ़ी चावल है, राजमा चावल लस्सी है। क्या खाओगे आप? मेरे को कड़ी चावल दे दो। हाफ सर फुल? हाफ दे दो पहले। कड़ी चावल खाओगे? अच्छा ले लो फुल। नहीं मैं खाऊंगी, मैं तो मक्की की रोटी और साग, ठीक है, और साथ में कड़ी भी, ठीक है। तो गाइस मेरा खाना आ चुका है, साग और मक्की की रोटी। अभी बाबा जी का खाना नहीं आया है, बाबा जी का खाना भी आ गया, कड़ी और चावल। तो फाइनली हम सैलून पहुंच चुके हैं और अभी जाएंगे सीधा नीचे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सैलून में और भैया जिन्होंने किया था मेरा हेयर सर्विस, तो आज करेंगे मेरा हेयर वॉश। ये कलर का क्या करेंगे? ये कलर का कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये तो आपका यहीं पे हो जाएगा। गाइस कौन आ गया? बढ़िया, सच बताना, देखो झूठ नहीं, अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस अभी हमने फाइनल डिसीजन लिया कि ये जो आगे वाले बाल थे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहे थे, तो इनका थोड़ा सा कलर फिर चेंज होगा, तो देखते हैं फिर कैसा लगता है, है ना। थोड़ा अजीब लग रहा था ना ये आगे वाला, मतलब पता क्या है, ऐसा भी नहीं है सर, थोड़ा सा वो है, हल्का सा इसको डार्क पीछे शेड में ला देंगे ना, सेम। हाँ 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 वही ना, ये हल्का सा डार्क चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे हो आप? बढ़िया। आप तो मतलब आज तो रॉकेट की स्पीड से आके पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, हाँ कंबल लेते हैं ऐसे। नहीं ये वाला भी करना पड़ेगा, ये वाला, ये सारा ही पार्ट करना पड़ेगा, सारा पार्ट ब्लैक करना है, मतलब ज्यादा हो जाएगा मैम, ये ना ज्यादा हो, फिर वो ज्यादा हो, ये थोड़ा लाइट है ना, फिर ये डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा इसको, मैंने बोला डार्क हो जाएगा, लाइनिंग कर दे हम उसके बाद लास्ट में करेंगे, ठीक है। ओके ओके। तो गाइज फाइनली आगे वाली फ्लिक्स में हो चुका है कलर और अब देखते हैं कैसा कलर आता है, मतलब वैसे ऐसे ही कुछ मैचिंग करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लग रहा था, बाकी सब बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आज मेरा फाइनली ख़त्म हो चुका है, तो आज थोड़ी सी कटिंग भी करवाऊंगी मैं अपने बालों की, थोड़ा न्यू कट लूँगी। और बाकी अभी बाबा जी की सर्विस चल रही हैं, उनका फेशियल हो रहा है। तो फाइनली आगे वाला जो कलर था वो हो चुका है चेंज और ये बिल्कुल लग रहा है अब इक्वल और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम सा हो गया है, देखो आप भी देखे होंगे। तो फाइनली अब होगा मेरा हेयर कट एंड सर्विस डन। ये है आपका जो आपको चाहिए था फेशियल। जी 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 जी। अब हेयर कट बताइए आपको कैसा चाहिए, आपने टाई करना है या फिर आपने ओपन रखना है, उसी अकॉर्डिंग करना। नहीं वो तो मूड पे होता है, कभी ओपन रखती हूँ कभी टाई कर लेती हूँ। हाँ फ्रंट ऐसा करता हूँ, फ्रंट लेयर कर देता हूँ, थोड़ी लेयर पीछे भी डाल दूंगा मैं, कि अगर पोनी भी करोगे तो वो अच्छी दिखेगी, बाउंसी दिखेगी, ये ठीक रहेगा? ठीक है कर दो, अच्छा लगना चाहिए बस, अच्छा लगेगा। तो गाइज फाइनली मेरी सर्विस हो चुकी है बिल्कुल डन और बहुत ही अच्छा, हेयर कट भी बहुत ही बढ़िया रहा, थैंक यू भैया। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कट हो गया, पोनी करोगे तो वो भी आपका शार्पनेस और बड़ा अच्छा दिखेगा। अच्छा ठीक है, फ्रंट भी आपका हमने कर दिया है, फेस काट दिया, ठीक है, आप पे शूट भी कर रहे हैं कट। जी जी थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू सो मच। गाइस फाइनली मेरी सर्विस हो चुकी है डन और चलते हैं बाबा जी के पास, देखते हैं उनका क्या क्या काम हुआ, कितना हुआ। क्या कर रहे हो आप आज, क्या कर रहे हो? थकावट हुई है आज तो, मसाजे ले रहे हो हैं। चमक रहा है आपका फेस नहीं अभी चमक रहा है कुछ ज्यादा ही।
लाइट का कमाल है या कुछ करवाया? नहीं करवाया, स्टीमली फेशियल। मैं हो चुकी हूँ फ्री और अभी बस मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी चल रही है सर की सर्विसेज। क्या क्या कराया आज? आज बड़े चमक रहे हो तुम तो, मतलब आज तो चकदे फटे हो गया काम है। नहीं बस थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ। रिलैक्स? ओ माय गॉड, तो आज होने हैं बाबा जी रिलैक्स। तो अभी जस्ट इनकी हेड मसाज हुई है। तीन दिनों से शूट कर रहा हूँ। तीन दिनों से शूट कर रहे थे? हाँ। अच्छा, क्या क्या कराया आपने? बस बाल धुला रहा हूँ। ऐसा बता दो अब क्या कराया और कुछ चेहरे पे? जनता सब जानती है। चेहरे पे करवाया, बाल धुलाए, हेड मसाज करवाई ना। और क्या कराना है? कुछ नहीं। कैसा लग रहा है आपको? ये है मेरा फाइनल। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ऐसे ही है। नहीं ठीक है, तो मैं अच्छा लग रहा था। ठीक है, नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैंने तभी करवाया। पर आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? देखने वालों को भी ठीक लगना चाहिए ना। ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, बोलो। ये बात भी सही है, तभी तो वो चोटी पे बैठे चुपचाप है। जितना हो सके कम बोलो, पर लेकिन आज हमारे साथ बोलो। हमारे साथ सिंजीव मानी हमें तो आपके दर्शन हो गए, वो थोड़ी बात है। हम तो वीडियो और गानों में देखते आए और सुनते आए बस। चलो बढ़िया है। हाँ, जब लास्ट टाइम मैं आई थी उस टाइम से काफी वो कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम पक्का मैम प्लीज। हाँ, मैं आता नहीं हूँ। मैं ना, मेरे को पता है, बता रहे थे, बता रहे थे आते नहीं है। इशारा भाई भी बता रहे थे आते नहीं है। घर में दो मैं मुंह साबुन से सिंपल है, वो बता रहे थे बिल्कुल सिंपल है वो। तो गाइस, बाबा जी का हो गया हेड वॉश और फटाफट ड्रायर करा के अभी बाबा जी कराने वाले हैं मैनी पैडी। नहीं 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 नहीं, आपने ही बोला अभी थोड़ी देर पहले कि कोमल उनको बोलो मैंने मैनी केयर वो कराना है जो तुम भी कराती हो अपने हाथों पैरों में। बोला था आपने आज, मतलब ये बिल्कुल रिलैक्स होने आए हैं। मैं झूठ नहीं बोलती गाइज, मैं जो भी बोलती हूँ मैं मुंह पे बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, बोला इन्होंने। तो फाइनली गाइज, बाबा जी आ चुके हैं हॉट चेयर पे और आज करवाने वाले हैं क्या? बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? जबरदस्ती लाए हमने बोला जबरदस्ती करवाने को। देखो भाई, हमारे ऊपर बातें आ रही है, हमारे ऊपर बातें आ रही है। हाँ ये सही है गाइस, देखो क्या दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारा साउंड इंजीनियर है भाई साहब भी लग गए, हमारे सिंगर साहब। मुझे लगता है थोड़ी देर टाइम आज सनी विशाल भाई दूसरे वाले सब आएंगे। परीक्षित का तो पक्का वो करवा देना पैकेज। परीक्षित तुझे मैं बता रहा हूँ, तेरा पैकेज यहीं से होगा। हाँ है ना, मैंने सुना उसने वो हेयर का कुछ करवाया ना। हाँ, उसको शौक है। चलो भाई ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। ओके, हाँ मुझे तो अच्छा लगा। बस अब नेक्स्ट टाइम आपने जब भी आना है अपना समझ के आराम से आओ, जब मर्जी अच्छी सर्विसेज आपको मिलेगी। हेयर प्रोजेक्ट मोहाली, ठीक है, मस्ट विजिट। हाँ जी, आप बुला रहे थे मुझे। टेस्ट चेंज तो नहीं होना, लड़की बनना है क्या? कोई नजर के टोटके हैं, जिसके साथ भोले बाबा उसको नजर नहीं लगती। ठीक है, हाँ ये लगाया। आप देख सकते हैं फेस पे भी थोड़ा ग्लो बिकॉज ऑफ द फेशियल है। आज बाबा जी ने फेशियल भी करवाया है और अभी पेडिक्योर मैनिक्योर चल रहा है। तो गाइज, अभी बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी क्योंकि अभी बाबा जी का चल रहा था मैनिक्योर पेडिक्योर, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा नेल आर्ट करवा लूँ। तब तक बोर हो रही थी बैठे बैठे, कोई और कुछ काम करने को था नहीं मुझे, तो अभी मेरा नेल आर्ट हो रहा है। आप बड़ी स्माइल कर रहे हो। क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ, क्या हुआ भैया? अच्छा, आप रह गए थे ब्लॉग में? नहीं, आपको भी ले लिया, आप भी आ गए। नहीं देखो, इन्होंने भी मेरा हेयर ट्रीटमेंट किया है साथ में, रोहित भैया ने और इन भैया ने, नाम ही भूल जाती भैया मैं आपका। और बस अभी होने वाली है सर्विस बाबा जी की। डन, बाबा जी तो आज मतलब इतने खुश लग रहे हैं, वाह।
क्या बात है। है? मेरा चैनल व्हाइट लिस्ट है, नहीं आ सकता। तो गाइस फाइनली हो चुकी है हमारी सर्विस डन, पर घर जाने के लिए हो गए हैं बहुत ज्यादा लेट, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि घर पे हमारा जॉय है वो बिल्कुल अकेला है। हाँ फटाफट भागते हैं घर के लिए। चलिए बहुत बढ़िया रहा और ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय शंकर, जय महाराज, जय महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी। सब अपना ध्यान रखें, नमस्कार।